गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसका मीनिंग भी बदला चुके हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमारे चारों ओर जितना भी मैटर है क्या वो प्योर स्टेट में है या प्योर स्टेट में नहीं है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कहने में क्या हुआ, जो ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं उसको प्यूरीफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है। सोर्स ऑफ वाटर का मीन क्या हुआ कि वाटर को आप किस किस जगह से वाटर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वाटर का सबसे मेन सोर्स है क्या, सी। सी में जान रहे क्या होता, समुद्र होता है। नेक्स्ट यदि देखिएगा, वाटर का सोर्स होता है क्या है, रिवर। क्या होता है, रिवर। यदि इसके आगे देखिएगा तो क्या होता है, हम लोग का पॉन्ड। नेक्स्ट देखिएगा तो क्या होता है, लेक। नेक्स्ट देखिएगा तो क्या होता है, हम लोग का माउंटेन। माउंटेन जनरली ईटीसी या रेन वाटर भी तो क्या एक सोर्स ऑफ वाटर है ना, रेन वाटर, रेन वाटर ईटीसी। जनरली ये सब क्या है, एक सोर्स है किसका, वाटर का। हम बोलते हैं इट इज ए सोर्स, मीन्स सी, रिवर, पॉन्ड, लेक, माउंटेन और रेन वाटर, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है, मीन्स जहाँ से हम लोग वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली जो भी वाटर हम लोग देखते हैं, चाहे सी वाटर लीजिए, रिवर वाटर लीजिए, पॉन्ड लीजिए, लेक वाटर लीजिए या माउंटेन वाटर लीजिए या रेन वाटर लीजिए, सभी में कुछ न कुछ क्या होता है, डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड होता है या कोलाइडल क्ले पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है। तो बोल सकते हैं क्या, एवरी सोर्स ऑफ वाटर, यह बोल सकते हैं दी वाटर विच फाउंड इन फ्लोइंग प्रोसेस, दी वाटर विच आर फाउंड बाय द डिफरेंट प्लेस, मीन्स क्या, दी वाटर विच आर फाउंड बाय द डिफरेंट प्लेस, जहां जहां डिफरेंट प्लेस से प्राप्त वाटर को हम लोग फाउंड करते हैं, कंटेन द इम्प्योरिटी, उसको क्या करता है, इम्प्योरिटी को कंटेन रहता है। इम्प्योरिटी के रूप में क्या क्या हो सकता है, देखिए इम्प्योरिटी के रूप में हो सकता है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी हो सकता है, मीन्स घुली हुई गंदगी हो सकता है, या सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है, या आप बोल सकते हैं कि कोलाइडल क्ले होता है, कोलाइडल क्ले होता है, क्ले पार्टिकल्स होता है, एंड हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, एंड हार्मफुल बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, मीन्स क्या, इम्प्योरिटी के रूप में वाटर में इम्प्योरिटी के रूप में क्या क्या हो सकता है, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी हो सकता है या सस्पेंडेड इम्प्योरिटी या सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकता है, या बोल सकते हैं कोलाइडल क्ले पार्टिकल्स हो सकता है, एंड हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है, मीन्स क्या, जिसमें कि बैक्टीरिया हो और वो भी क्या बहुत ही हार्मफुल हो। ये सब इम्प्योरिटी के रूप में हो सकता है सोर्स ऑफ वाटर में, मीन्स सी में हो सकता है, रिवर में हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेक, माउंटेन या रेन वाटर, किसी भी वाटर में ये सब इम्प्योरिटी के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है, हाउ टू प्यूरीफाई, ये सब को क्या है, बाहर निकालना है।
डिजोल्व इम्प्योरिटी को, सस्पेंडेड सॉलिड को, कोलाइडल क्ले पार्टिकल्स को एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चलिए प्रोसेस देखते हैं क्या है। इसमें कुछ प्रोसेस होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम लोग इसको आसानी से प्यूरीफाई कर सकते हैं या पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। सबसे पहला देखिए प्रोसेस है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक बनाते हैं, कहने का मीन्स क्या हुआ, सबसे जहां जिस सोर्स से वाटर को आप लेते हैं, उस वाटर को सबसे पहले हम लोग डालते हैं कहाँ पे हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में। और सेडिमेंटेशन टैंक में होता क्या है, जितना भी लार्ज साइज पार्टिकल्स है जो वाटर को स्थिर रखने के बाद वो नीचे सेटल डन हो जाए बॉटम पोर्शन पे, वो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है सब इस टैंक में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग हैं, ये तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस टैंक हो गया। दूसरा बोलते हैं लोडिंग टैंक, क्या हो गया लोडिंग टैंक। ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ये सब से होके हम लोग गुजारते हैं तो आपका पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा देखिए तीसरा था फिल्ट्रेशन टैंक। चौथा देखिए होता है क्लोरीनेशन टैंक होता है। देखिए ये चार मेथड है जिसके माध्यम से चार टैंक से होकर गुजारना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं किसी भी डस्ट वाटिक डर्टी वाटर को प्यूरीफाई करके हम लोग यूज करते हैं। चलिए इसका डायग्राम पहले देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक क्या टैंक है, ये टैंक है, इस टैंक में क्या है देखिए, हम लोग वाटर को सेंड करते हैं सोर्स ऑफ वाटर से मीन्स जहाँ पे वाटर का सोर्स है उससे वाटर लेंगे और हम लोग सेंड कहाँ करेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में। ये पार्टिकल है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी मीन्स क्या, जहाँ तक पॉसिबल है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी जो है सेडिमेंटेशन टैंक्स में बाहर हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, इस वाटर को हम लोग ले जाएं कहाँ पे, लोडिंग टैंक में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, लोडिंग टैंक में ले जाते हैं। लोडिंग टैंक हो गया, ये हो गया लोडिंग टैंक हो गया। चलिए एक टैंक और लेते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन टैंक हो गया। और इस फिल्ट्रेशन टैंक को हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप से लगा के हम लोग भेजते हैं क्लोरीनेशन टैंक में। ये कहाँ भेजते हैं, क्लोरीनेशन टैंक में, क्लोरीनेशन टैंक में। देखिए क्या होता है इसमें,
ये हो गया, इसको बोलते हैं कोगुलेटेड क्ले पार्टिकल्स, कोगुलेटेड क्ले पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं वाटर, वाटर है। ये क्या है, फाइन पार्टिकल्स है। ये क्या हो गया, ग्रेव्स हो गया, ग्रेव। ये क्या है, नीचे में जो बड़ा बड़ा पत्थर है इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, कोर्स ग्रेव। क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेव बोलते हैं। एक हो गया, इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन पार्ट से। तो से पहला स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटेशन से। देखिए हम लोग इसमें देखिए क्या पढ़े हैं, ये क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है। मीन्स क्या, जहाँ से आप डर्टी वाटर को या डर्टी वाटर को आप प्राप्त करते हैं, वो वाटर को प्राप्त करने के बाद हम लोग वाटर को वहाँ भेजते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ पे क्या होता है, कुछ देर के लिए वाटर को हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए वाटर को छोड़ देते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स का साइज बड़ा है या डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स जो है नीचे बॉटम पोर्शन में आके बैठ जाता है, और जैसे वो नीचे बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पे उस वाटर को मीन आप डस्ट पार्टिकल जो बैठा हुआ है उसको छोड़ के आगे जो वाटर को हम लोग क्या फॉरवर्ड करते हैं लोडिंग टैंक में। लेकिन कौन सा वाटर, कौन सा डस्ट पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठता है जिसका डेंसिटी जो है वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि वाटर का डेंसिटी कम होगा तो ही डस्ट पार्टिकल्स क्या है नीचे जाएगा और वाटर क्या है ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इस केस में सेडिमेंटेशन टैंक में द वाटर फ्रॉम द रिजर्वर इज फर्स्ट पास्ड थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक। बोलते एट फर्स्ट वाटर सेंड टू द सेडिमेंटेशन टैंक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। हियर यहाँ कुछ समय के लिए वाटर को हम लोग छोड़ देते हैं। द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। उस समय के लिए वाटर को हम लोग छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम इसी टाइम के दौरान मेनी सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो बोल सकते हैं ड्यूरिंग फॉर दिस टाइम, ड्यूरिंग फॉर दिस टाइम मेनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स सॉलिड्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ये क्या है, सेटल डाउन हो जाता है, जो क्या होता है एट द बॉटम ऑफ द टैंक के क्या है बॉटम पोर्शन में। अब वाटर को जो फ्रेश वाटर हो गया मींस सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकलने के बाद उस वाटर को हम लोग कहाँ सेंड करते हैं, लोडिंग टैंक में। तो दूसरा पार्ट आता है लोडिंग टैंक, देखिए इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ही वाटर यहाँ से पास होके कहाँ गया आपका लोडिंग टैंक में आया,
लोडिंग टैंक में देखिए क्या होता है कि कुछ हम लोग इसमें पोटास एलम या फिटकरी को इसमें डाल देते हैं, क्योंकि फिटकरी डालने के बाद तो इसमें जितना भी डिजॉल्व पार्टिकल्स है किसमें वाटर में, उसका साइज शेप और साइज क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि शेप और साइज इंक्रीज किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कोगुलेटिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। कोगुलेशन बता चुके हैं जस्ट दो तीन लेक्चर पहले, उस मेथड्स के द्वारा साइज क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, और साइज जैसे ही इंक्रीज करेगा फिर से वो नीचे क्या है बैठ जाएगा। तो हम लोग यूज करते हैं इसमें क्या, पोटास एलम का यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, सम पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर आर सो स्मॉल एंड सम पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर आर सो स्मॉल, वो क्या छोटा होता है, एंड विच हैज लो डेंसिटी, सो दे आर सेटल वेरी स्लोली। ये क्या धीरे धीरे क्या है सेटल होगा, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे सो, जैसे हम लोग कह सकते हैं आप डायग्राम देखिए क्या है, जो वाटर निकला है यहाँ से इसमें कुछ पार्टिकल्स है जो कि सेटल नहीं हो पाता है कहाँ पे, सेडिमेंटेशन टैंक में। इसलिए यहाँ पे क्या है धीरे धीरे कुछ लंबा समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा जो फाइन पार्टिकल्स है छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसका डेंसिटी कम है वो भी धीरे धीरे क्या है लोडिंग टैंक में नीचे सेटल डन होता है। वही लिखा है हम लोग, दे आर सेटल वेरी स्लोली, वो क्या है सेटल होता है, और नॉट एट ऑल और वो सभी क्या है सेटल हो भी नहीं पाता है। इसलिए सम फिटकरी आर एडेड, सो सम फिटकरी और पोटास एलम आर एडेड टू द वाटर, हैंस कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले प्रेजेंट इन वाटर आर निगेटिवली चार्ज। क्या होता है क्ले में जो कोलाइड पार्टिकल्स है उसके पास क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है, दे डू नॉट सेटल इन द टैंक, जो क्या होता है सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं होता है। हैंस ड्यू टू कोगुलेशन प्रोसेस इसलिए कोगुलेशन प्रोसेस के कारण इट्स साइज बिकम्स बिग एंड हाई डेंसिटी, जिसके कारण क्या होता है कोगुलेशन प्रोसेस के कारण साइज क्या होता है बड़ा हो जाता है और उसका डेंसिटी क्या होता है ज़्यादा हो जाता है। और चूंकि डेंसिटी ज़्यादा हो जाने के बाद निश्चित तौर पे वो पार्टिकल्स जो है नीचे क्या होती है बैठ जाती है, एंड हाई डेंसिटी क्या डेंसिटी हैंस कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेटल डन इनटू द
बॉटम। बॉटम में वो क्या होता है, सेटल डन कर जाता है। इस प्रकार हम लोडिंग टैंक में क्या करते हैं, कुछ लाइट पार्टिकल्स को या कुछ डिजॉल्व पार्टिकल्स को हम लोग वाटर से बाहर करते हैं। नेक्स्ट देखिए आते हैं लोग क्या, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, फिल्टर करना, वाटर को फिल्टर करना। इसमें देखिए क्या है, तीन मेथड है। देखिए सबसे पहले देखिए नीचे देखिए जो क्रॉस कोर्स ग्रेव है जो नीचे में है उसका साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। जस्ट उसके ऊपर देखिए लिया गया है, ये क्या है, फाइन पार्टिकल्स ग्रेव है। फाइन नहीं, ये क्या, ग्रेव पार्टिकल्स जो मिड में है, ये क्या है, ग्रेव पार्टिकल्स, ये ग्रेव पार्टिकल्स है। लेकिन जो सबसे नीचे है जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेव बोलेंगे। अब जो मिडिल पोर्शन में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं। और जब से सबसे ऊपर में जो है स्टोन पार्टिकल्स उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइन पार्टिकल्स। इस फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग जो जितना भी एज पॉसिबल इम्प्योरिटी है, जो छोटे छोटे कणों जो बहुत ही छोटी होती है उसे क्या है, बाहर करते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में तीन मेथड है, तीन पार्टिकल्स यूज किया गया है। आफ्टर लोडिंग टैंक या आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड अदर्स सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, द वाटर पास थ्रू ए फिल्ट्रेशन टैंक, द वाटर पास्ड थ्रू ए फिल्ट्रेशन टैंक, पास्ड थ्रू ए फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक से क्या करते हैं, पास करते हैं। जहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन टैंक में तीन लेयर होता है, यहाँ बोल सकते हैं थ्री लेयर, देयर आर थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन टैंक, जिसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन टैंक में तीन लेयर होता है, जिसमें सबसे पहला होता है फाइन, फाइन पार्टिकल्स। दूसरा देखिए क्या, ग्रेव पार्टिकल्स, क्या होता है, ग्रेव। अब सीड में होता है क्या है, कोर्स ग्रेव, ये होता है। अब तीनों लेयर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाटर को साफ करते हैं। तो जैसे ही वाटर हम लोग कहाँ भेजेंगे, भेजेंगे फिल्ट्रेशन टैंक भेजेंगे, तो वाटर कहाँ पहुँच जाएगा, निश्चित तौर पे लोअर लेयर में जाएगा। और चूंकि लोअर लेयर में जैसे जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेगा, वाटर जो है प्योर वाटर जो है ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा, ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से प्योर वाटर, प्योर वाटर कम्स एवव द पार्टिकल, एवव द फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के ऊपर क्या होती है, आ जाती है प्योर वाटर। और इस प्रकार आप क्या है, जो फिल्ट्रेशन इम्प्योरिटी है, जो सम इम्प्योरिटी बच गया था इन सेलबुल के रूप में, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन टैंक।
देखिए क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्योंकि हम जानते भी हैं वाटर में क्या है, छोटा छोटा बैक्टीरिया भी होता है। ये बैक्टीरिया जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा या लोडिंग टैंक में या फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए एक अलग से हम लोग टैंक लगाते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक। उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर को मिला देते हैं ताकि छोटा छोटा बैक्टीरिया जो है वो समाप्त हो जाए। तो हम लोग क्लोरीनेशन इसमें यूज करते हैं क्या, यूज्ड द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 यूज होता है। तो इसमें बोलेंगे क्या, दी वाटर ऑब्टेंड फ्रॉम द फिल्ट्रेशन टैंक इज इंट्रोड्यूस्ड द क्लोरीनेशन टैंक। हम बोल सकते हैं दी वाटर ऑब्टेंड फ्रॉम द फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक इज इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड इंटू द क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन टैंक मीन्स क्या, जो वाटर आपने फिल्ट्रेशन से क्या किया बाहर निकाला उस वाटर को क्लोरीनेशन टैंक में डाल दिए। वेयर, जहां इट इज ट्रीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है बीच में, एंड सम अदर जर्मिसाइड, जो क्या कहता है जर्मिसाइड मीन्स क्या, सच एज O3 मीन्स क्या ओजोन, टू किल द बैक्टीरिया मीन्स क्या, उसको क्या ओजोन गैस से पास कराते हैं या क्लोसिंग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि ब्लीचिंग पाउडर और ओजोन गैस जो है वो जर्म को या बैक्टीरिया को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो इस चार मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वाटर को प्योर करने का कोशिश करते हैं, और यही प्योर वाटर जब एक बार प्योर प्योरिफिकेशन हो जाती है इसी को हम लोग क्या करते हैं, घर घर सप्लाई करते हैं, बाय द ट्यूब बोलिए या बाय द पाइप बोलिए, किसी की भी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, घर घर सप्लाई करते हैं। ये चार प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या था, सेडिमेंटेशन, दूसरा क्या था लोडिंग टैंक, तीसरा क्या था फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और चौथा क्या था क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में ही छोटा छोटा बैक्टीरिया या जर्म जो है वो क्या डिस्ट्रॉय होता है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है आप प्लीज़ आप हमारे नंबर पर फ़ोन कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।